वेलकम टू जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अरे का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर ऑलरेडी, और मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, और इंटीजर टाइप का एक एरे ले लेते हैं, एन ए आर आर न्यू एन, और उसमें साइज डाल देते हैं 10 एलिमेंट्स, और यहाँ पर मुझे तो ये ऐसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। और एक और मैं एरे ले लेता हूँ, एंड टू एंड इनिशियलाइज भी करा लेता हूँ। तो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे। और अगर मुझे फोर लूप यूज करना है तो उसके हेल्प से मुझे वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पर एक इंटीजर टाइप ले लेते हैं, फोर आई इज इक्वल्स टू जीरो। और ये हमारा एरे हो गया, इसको सेव करते हैं, टेस्ट एरे। प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, और यहाँ पर सेव फाइल का नेम एंड देन डॉट जावा एक्सटेंशन। कंपाइल हो गया है, ठीक है ना। मैं प्रिंट करने का भी यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, फोर आई इज इक्वल्स टू जीरो, अगेन आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ए आर आर जो है आई इंडेक्स प्लस एक स्पेस डाल देते हैं। वापस से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम। और ये जितनी हमने वैल्यूज यहाँ पर वन बाय वन स्कैन कराई है, ये पूरी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो जा रही है, ठीक है ना। एरे का साइज थोड़ा कम कर देता हूँ 5, और मैं साइड बाय साइड इसको कॉपी करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एरे, और इस बार दूसरा जो सेकंड एरे है हमारा उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ जो हमने ये ऊपर इनिशियलाइज किया है, ठीक है ना। सेव, कंपाइल करते हैं, एक एरर आ गई है, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। सेव करते हैं, वापस से प्रोग्राम चलाते हैं, और ये हमारा एरे हो गया फर्स्ट जो हमने एंटर कराया, और ये वाला एरे जो हमने इनिशियलाइज कराया था एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन 46746, ठीक है ना। तो ऐसे हम बेसिकली एरे का प्रोग्राम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। और 2D एरे अगर देखना है हमें 2D एरे कैसे यूज करते हैं, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये सब यहाँ से कोड हटा दे रहा हूँ, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, ठीक है ना। और उसके लिए मुझे एंड 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट ए आर आर 2D इज इक्वल्स टू न्यू एंड, और यहाँ पर मुझे रोज एंड कॉलम्स को मेंशन करना है, ठीक है ना। और स्कैन कराने के लिए 4, एक नेस्टेड ऑफ 4 लूप यहाँ पर यूज होगा, और
और मैं यहाँ पर ये लेंथ हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ARR2D हमारे एरे का नाम है और I and J again और हम इसको स्कैन कर लेते हैं, ठीक है ना। सेम केस जो है हमें यहाँ पर प्रिंटिंग कराते वक्त भी सेम फॉलो करना है। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल इन 2D एरे I and J। जब एक लूप कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा तो एक हमें लाइन ब्रेक करनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एल एन, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर लिखा, सेव करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। कई सारी एरर्स आ गई हैं। एक्चुअली हमने जे को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए वापस देखते हैं, अभी भी एक एरर है, ARR.length लिखा रह गया है कहीं पर, जो कि अब ये ऐसे नहीं समझेगा। यहाँ पर हमें मैनुअली वैल्यू डालनी होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज 3, ठीक है। चलिए बेसिकली 9 वैल्यूज है और ये एरे की शेप में या फिर मैट्रिक्स की शेप में या टेबुलर में आपका डेटा प्रिंट हो गया है, जो कि इसकी हेल्प से हुआ है जो आपने प्रिंट कराया है, ठीक है ना। तो 2D एरे यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। अब आप इनके जो बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम मुझसे ले लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।